नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक। आज हम बताएंगे कि टाइमिंग चैन बार बार स्प्लेंडर बाइक के हीरो की बाइक में बार बार आवाज़ करती है, तो उसको किस तरीके से सही किया जाता है। इससे पहले हम दोस्तों वीडियो बनाया था, उस वीडियो पर बहुत सारे भाई लोगों ने हमको गाली भी लिखा, बहुत सारे लोगों ने कमेंट ऐसे कहा कि यानी कस्टमर थोड़ा सा मेरा, हमने उससे बोला था कि आपकी प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिएगा, तो उसने यानी इस तरीके से बात किया कि थोड़ा रूट करके बात करता है इस तरीके से, लेकिन वो हमारे अच्छे कस्टमर थे, ऐसा कुछ नहीं है, और हमने उनसे बोला था इस तरीके। तो बहुत सारे लोगों ने थोड़ा सा इस तरीके से हमारा मजाक उड़ाया, इसलिए हमने चाहा कि हम, और उसमें बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा कि आप इसकी टाइमिंग चैन को, स्प्रिंग को हार्ड कर दीजिए और वो इसकी आवाज़ नहीं सही। भाई मेरे दोस्त, बहुत सारे वीडियो बनाए लेकिन हमने आपको कभी भी गुमराह करने के लिए नहीं बनाया, जो बनाया बिल्कुल सॉलिड बात बताया जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। हमारा उद्देश्य ये है कि हम आपको अगर कुछ सिखाते हैं, बताते हैं तो अच्छा से बताएं, तब तो ठीक है, अगर आपके काम ना हो तो बेकार है कि हमारा आपका हम आपका टाइम फालतू में यानी ख़राब कर रहे हैं, ठीक मेरे दोस्त। तो दोस्त मेरे, बहुत सारे भाई लोग, जैसे ये एक वीडियो है मेरे दोस्त, ये इसमें देखिए, अगर हम दिखा पाएँ आपको अच्छे से, तो देखें मेरे दोस्त, इस मोबाइल में जो यहाँ पर कमेंट लिखा है हम आपको दिखा देते हैं। इसमें नहीं समझ में आ रहा, देखिए मेरे दोस्त, इसमें लिखा है भाई अगर आप बांसुरी नहीं डालते तो वो कस्टमर आपकी बांसुरी बना देता, ठीक है दोस्त मेरे। इस तरीके बहुत सारे भाई लोगों ने कमेंट भी किया, और देखिए हम इस बाइक में ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको हम स्टार्ट करके दिखाते हैं कि ये प्रॉब्लम किस तरीके से साउंड होता है, ठीक है, फिर आपको हम आपको यानी बताते हैं किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, ठीक। तो भैया ज़रा हम चाहेंगे कि इस बाइक को स्टार्ट करो, फिर दिखाते हैं। देखिए मेरे दोस्त, जो इसका साउंड है वो थोड़ा सा एक्सीलेटर दिखाते हैं लेकर के, और दोस्त मेरे क्या होता है, ये नई हो पुरानी हो बाइक, यानी किसी भी बाइक में हो जाती है, अभी मेरे पास यानी कई बाइक में इस तरीके समस्या आई, तो हमको ये प्रॉब्लम मालूम होती है, तो हमने क्या किया, उसमें हमने कुछ भी नहीं किया, और अक्सर क्या होता है जब टाइमिंग चैन डालते हैं उसके बाद कुछ समय बाद जल्दी आ जाता है, तो हमको मालूम है कि हमने इसमें टाइमिंग चैन काम किया, या टाइमिंग चैन साउंड पहले नहीं था, अब अगर आ गया तो हम सबसे पहले उसकी टाइमिंग चैन की बांसुरी सिर्फ चेक करते हैं। बांसुरी का मतलब होता है पूरा टाइमिंग चैन जो एडजस्टर होता है, टेंशनर होता है, वही काम करता है, तो इसी में प्रॉब्लम होती। अब दिखाते हैं इसकी टाइमिंग चैन टेंशनर में प्रॉब्लम है, उसी के कारण यह साउंड आ रहा, और आज हम इस बाइक में 100% आवाज़ साउंड सही करके तभी वीडियो बनाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो हम आपको खोल के दिखाते हैं। अब देखिए मेरे दोस्त, इसके लिए हम क्या है, इसका टाइमिंग चैन जो इसका बांसुरी है उसको निकालते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर उसी में प्रॉब्लम होता है, और उसको चेक करने के लिए हमने आपको बताया कि सिर्फ क्या होता है, सिर्फ यहाँ से पेट्रोल लें, और पेट्रोल ले करके चेक कर लें, ठीक। और जैसे क्या है कि मेरे दोस्त, अभी हमने ये एक पन्नी में हमने जो इसकी ओरिजिनल बांसुरी लिया है, इसमें 90 रुपये MRP है, और ये लिया है, ठीक मेरे दोस्त, ये देखिए, यानी किसी भी प्रकार से अभी तुरंत में यानी हमने इसको लिया है, अभी निकाला है, 90 रुपये MRP होती है, और ज़्यादातर यही ख़राब होता है। इसमें एक स्प्रिंग सिस्टम होता है, लॉक सिस्टम, इस तरीके होता है कि जितनी टाइमिंग चैन आपकी टाइट होगी उतनी ये ऊपर को जाएगी और नीचे को नहीं आएगी। जैसे टाइमिंग चैन एडजस्टर किसी भी पल्सर का, डिस्कवर का, TVS का, किसी भी बाइक का होता है, तो जितनी टाइमिंग चैन लूज होगी उतना वो आगे को जाएगा, पीछे को नहीं आएगा, इस तरीके से ये भी काम करता है, ठीक। अब इसमें मेरे दोस्त हम दिखाते हैं आपको, भैया थोड़ा करीब में दिखाइए, इधर आ करके देखिए मेरे दोस्त, इसमें जो हम पेट्रोल डालते हैं, तो जो पेट्रोल डालें या ऑयल, लेकिन जो सही है वो सही है, और अगर सही नहीं है तो क्या है, अगर हम इसमें ऑयल भी डाल दें, ठीक मेरे दोस्त, इस वाले में, तो ऑयल भी नीचे को चला जाता है, ठीक दोस्त मेरे। क्या होता है, ये जानकारी बहुत सारे भाई लोगों को नहीं था, ठीक है, बहुत सारे लोगों को नहीं होता, आप यकीन मानिए कि हमको भी जानकारी नहीं थी, ठीक है। देखिए मेरे दोस्त, ये जो कभी कभी क्या होता है कि ये जो टाइमिंग चैन होता है इसका जो छर्रा होता पूरी तरह काम नहीं करता, तो कभी कभी इसको आप जब भी करता है दिक्कत, तो आप एक बार ऐसे चेक कर सकते हैं, यानी ठोक दें, ठीक है,
और फिर थोड़ा सा दिखा दे भैया, थोड़ा इधर करीब में दिखाना भैया ज़रा। देखिए अब इसमें आप देखिए, अगर ये सही होता तो जैसा हो सकता है इसमें कार्बन कचरा कुछ भी फंसा होता तो वो स्प्रिंग ऊपर को आ जाती और ये सही हो जाता। कभी कभी मेरे दोस्त ये सही हो जाता। ठीक, अब देखिए इतनी जो साउंड था इसी कारण था कि जो इसमें आयल रुकना चाहिए, टाइमिंग चैन टेंशनर काम करना चाहिए, वो टेंशनर काम नहीं कर। और ये देखिए पेट्रोल इसका रुका हुआ है अभी तक जरा सा भी, यानी और इसमें अगर हम ऑयल भी डाल दें मेरे दोस्त, तो ये नीचे को ऑयल जा रहा, ठीक, रुक नहीं पा रहा यहाँ पर। ठीक, जितना हम इधर से जा रहा उधर से वो नीचे को चला जा रहा। देखिए वो धीरे से उसमें, क्योंकि वो एडजस्टर उसका जो यानी जो छर्रा होता है बाल होता है वो काम नहीं कर रहा। ठीक, और इसमें देखिए अभी तक पेट्रोल भरा हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये पेट्रोल। अब इसको हमें क्या करना है, इसका जो उस पैड रबड़ है इसको लगा कर, तो फिर हम आपको दिखाते हैं आवाज़, आज हम इसको क्लियर कर देंगे मेरे दोस्त की आवाज़ कैसे सही होती है। ठीक, और इसमें क्या होता है कि हम ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन आज हम ऑयल नहीं डालेंगे, जब आवाज़ साउंड सही होगा तब हम आपको दिखाएं। अब हम लगा करके तब आपको दिखाते हैं। देखिए मेरे दोस्त इसको इस तरीके से, और इसमें जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग खींची हुई है, यानी बड़ी है, ये नहीं कि छोटी है तो हम उसको खींच दें। ठीक, बहुत सारे लोगों ने, दोस्तों ने कहा कि आप उसको स्प्रिंग को खींच दो, कभी कभी ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो 100 में एक आध गाड़ी में होता है। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त इसको इधर दिखाइए भैया थोड़ा सा नीचे, और हम इसको बोलेंगे कि भैया थोड़ा सा गाड़ी को स्टार्ट भी कर दें, और स्टार्ट करके जब इसका साउंड पहले और फिर थोड़ी देर बाद हम आपको सुनाते हैं जब इधर ऑयल आ जाता है तब। देखिए मेरे दोस्त ये कितना ज़्यादा साउंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम आप इसको जब अभी कुछ समय के बाद फिर से आपको दिखाते हैं जब इधर ऑयल आ जाए और फिर इसका साउंड सही हो जाए। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे दोस्त देख लीजिए इस बाइक को, हमने आप पूरी तरह से देख लीजिए वही बाइक सब कुछ, और हमने इसको स्टार्ट किया और आवाज़ आ रही थी, तो थोड़ा सा ऑयल, अगर ये बोल्ट जो होता है, देखिए यहाँ पर मेरा उंगली लगी है, ये बोल्ट से आप ऑयल डाल सकते हैं और ऑयल उसमें जाएगा, और उसके अनुसार ऑयल जब बांसुरी में भर जाएगा तो साउंड सही हो जाता है। ठीक है, तो मेरे दोस्त अब देख लीजिए बिल्कुल साउंड सही हो गया है। अब वैसा साउंड नहीं है भैया, रेस लेके हल्की से दिखाओ भैया थोड़ा सा। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए ये बाइक पूरी स्टार्ट है, किसी प्रकार से कोई इस तरीके से साउंड नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम आपको जो भी बताएं बिल्कुल सही बात बताया, और हमने कभी भी गुमराह करना नहीं चाहा। चाहते मेरे दोस्त कि हमारा वीडियो पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल जरूर